यकम अप्रैल को लोग अप्रैल फूल के नाम से मनाते हैं। ये मैं जुमला इसलिए समझा रहा हूँ कि इस्लाम में इस अप्रैल फूल की कोई गुंजाइश नहीं है। हम मुसलमान हैं। हदीस पाक है, इन सिद्क युंजी वल किज़्ब युहलिक। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सच बोलोगे तुम्हें निजात मिलेगी, दुनिया में भी आखरत में भी, और झूठ बोलोगे यहाँ भी पकड़ोगी वहाँ भी पकड़ोगी। तो अप्रैल फूल तो झूठा, झूठी झूठ की बुनियाद पे झूठों का काम है, और हम इसको एक त्यौहार के तौर पे बनाते हैं। इस्लाम का कोई त्यौहार झूठा नहीं है, इस्लाम का हर त्यौहार सच्चा त्यौहार है। तो ये अप्रैल फूल वाले दिन में सुबह से मैं आपको बताऊं, यकीन माने एक खातून को तकलीफ़ होगी बेचारी को, अस्पताल से दवाई वगैरह फलां क्या, मैं उसके घर में खबर दिया कि तेरे बेटा एक्सीडेंट में कत्ल हो गया, सारा झूठ है। फिर कहा वो तो हम मजाक कर रहे थे अपनी बुजुर्ग के साथ, ये मजाक है यार, इसे मजाक कहते हैं। ये अप्रैल फूल मनाने की तरतीबें, अल्लाह ना करे उसकी जान चली जाती तो कातिल यही होता जो कह रहा था। तो इस तरह की कहां मामलात पहुंचे हैं, आम आवाम को नहीं पता होता। मेरा आवाम से एक ताल्लुक है, मसाइल पूछना बताना सुनने सुनाने में मेरी रोज़ाना की बुनियाद पर एक दिन में दो दो बार तीन तीन बार मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही होती है। ये इस तरह मेरा आवाम में एक रिलेशनशिप है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की बातें हम पे आती हैं, शायद मैं आज ये बात मेरे जहन में भी ना होती अगर ये मुझे उस खातून की इस तरह बात करके और ये बात, और वो औरत फिर भी यही कह रही, मुफ्ती साहब मेरा तो छोड़ें किसी और माँ की जान चली जाए तो आप ज़रा ये जुमे में कह दें। ये हालात है भाई, हम एक एक बात कर रहा हूँ, पता नहीं इस तरह कोई और क्यों कहाँ से हो।